आप किस टाइप के पकोड़े बना रहे हो? ये हमारे दाल के होते हैं, पिट्ठी के पकोड़े। दाल के पिट्ठी के पकोड़े? हाँ। इसको मद्रासी पकोड़े क्यों बोलते हैं अंकल? ये पंजाब में बेसन के बनते हैं जी, ये उधर यूपी मद्रास या उस साइड में बनते हैं। अच्छा जी अंकल, एक चीज बताओ, कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो? मैं 78 से खड़ा हूँ, 45 साल हो गया। 78 से खड़े हो, 45 साल हो गया आपको, क्या बात है। तो वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। तो भाई आप सब लोगों ने पकोड़े तो बहुत खाए होंगे, बेसन वाले पकोड़े, बट आज जो आपको मैं पकोड़े खिलाने जा रहा हूँ ना भाई साहब, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कि लुधियाना में तो वो पकोड़े बहुत ही रेयर मिलते होंगे, तो फटाफट से आ जाओ, दिखाता हूँ आपको कि वो पकोड़े एक्चुअल में कैसे हैं। तो भाई इस टाइम मैं आ गया हूँ डंडी स्वामी चौक लुधियाना में, और यहाँ पर भाई साहब आपको मिलेंगे मद्रासी पकोड़े। भाई आपने बेसन वाले पकोड़े तो बहुत खाए होंगे, बेसन वाले भी यहाँ पे मिलते हैं, बट यहाँ की जो स्पेशलिटी है ना वो है भाई साहब मद्रासी पकोड़े। तो और जायका बहुत ही जबरदस्त होता है इनके पकोड़ों का, तो एक बार बात करता हूँ। अंकल जी नमस्कार जी। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश, सुरेश अंकल जी सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरे को अपना कीमती टाइम दिया। अंकल जी एक चीज जानना चाहूंगा, आप किस टाइप के पकोड़े बना रहे हो? ये हमारे दाल के होते हैं, पिट्ठी के पकोड़े। दाल के पिट्ठी के पकोड़े? हाँ। इसको मद्रासी पकोड़े क्यों बोलते हैं अंकल? ये पंजाब में बेसन के बनते हैं जी, ये उधर यूपी मद्रास या उस साइड में बनते हैं। अच्छा जी अंकल, एक चीज बताओ, कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो? मैं 78 से खड़ा हूँ, 45 साल हो गया। 78 से खड़े हो, 45 साल हो गया आपको, क्या बात है। तो देखो यार कितनी देर से अंकल, कितने पुराने खड़े हैं अंकल, और आप खुद सोच लो जो पुराना बंदा होता है कि यार वो जायका कैसे अपने जो खाने वाली चीजें होती है उसमें कैसे यार जायके देते हैं। तो अंकल जी क्या क्या आइटम रहती है आपके पास? हमारे पास हॉट डॉग होता है जी, ब्रेड पकौड़ा होता है जी, दाल वाले टिक्की होती है। अच्छा जी, आलू के होते हैं, पनीर का होता है। पनीर का होता है अंकल, ये जो हॉट डॉग होता है इसको तो बेसन में ही डिप करते होंगे? बेसन। अच्छा बेसन में, और जो ब्रेड पकौड़ा वो भी बेसन वाला? जी हाँ। मतलब जो आपका दाल वड़ा हो गया, पनीर वड़ा हो गया और एक आलू वड़ा हो गया, वो मद्रासी पकौड़ा? जी हाँ जी। तो अंकल साथ में क्या रहता है आपके पास? मैंने सुना जो आपकी चटनी है वो जादुई चटनी है, वो उसकी जैसी चटनी कहीं नहीं मिल सकती। जी हाँ। अच्छा अंकल चटनी दिखा सकते हो एक बार, कौन सी है? तो भाई साहब ये चेक करो अंकल, ये चटनी किस चीज की है? चटनी खसखस का होता है। अच्छा खसखस की चटनी होती है जी हाँ। और देखो अंकल जी ने बीच में बर्फ भी डाली हुई है ताकि गर्मी में चटनी ना खराब हो, और भाई साहब चटनी का टेक्सचर चेक करो, ऐसी चटनी आप ढूंढ लेना आपको लुधियाना में कहीं नहीं मिलेगी भाई, इसको टेस्ट जरूर करना एक बार आगे यार ये वीडियो जो देख रहा है यार, ठीक है। तो अंकल जी जो ये होती है आपका, इधर मैं देख रहा हूँ ये मटेरियल जो बैटर बना हुआ है, ये किस चीज का होता है? ये पिट्ठी है दाल की। अच्छा दाल की पिट्ठी? जी हाँ। इसी पिट्ठी से पकोड़े बनाते हो आप? हाँ जी। अच्छा तो अंकल जी एक चीज मेरे को आप जरा मद्रासी पकोड़े की मेकिंग दिखा सकते हो कि बनते कैसे, आप कैसे बनाते हैं आलू वाले, पनीर वाले और दाल वाले, थोड़ा सा बनाकर दिखा सकते हो? अच्छा ये आ गया अंकल पनीर। तो भाई ये देखो पनीर की ऐसे अंकल कटिंग कर देते हैं, और ये दाल की पिट्ठी है, और ये दाल की पिट्ठी के साथ देखो ऐसे बना देते हैं एक रोल, और फिर वो जाता है सरसों के तेल में, क्या बात है। तो ये देखो ये बन रहे पनीर के अपने मद्रासी पकोड़े, और सामने देखो वो भट्टी लगी हुई है और सरसों का तेल उसमें खोल रहा है भाई, और उसमें मद्रासी पकोड़े तले जा रहे हैं। तो अंकल साथ में मेरे को दाल की पिट्ठी का भी दिखाना, वो आप कैसे बनाते हो? पनीर वाला तो अंकल जी ने बना के दिखा दिया आपको, अभी दाल का दिखाते हैं, दाल का जो वड़ा बनता है। तो ये दाल का वड़ा बन रहा है, ये देखो ये दाल का वड़ा है, ऐसे बनाते हैं दाल का वड़ा, ये देखो ये बन गया दाल का वड़ा। तो भाई लोग ये देखो, ये है पनीर वाला और ये है आलू वाला और ये है दाल वाला, मतलब ये है मद्रासी पकोड़े जो कि दाल की पिट्ठी से बनते हैं। तो अंकल जी एक एक पीस मेरे को इसका दीजिए, मेरा टेस्ट करके देखूं कि इसका टेस्ट एक्चुअल में है कैसा। तो ये देखो भाई ये अपने आगे मद्रासी पकौड़े प्लेट में चेक करो, ये अंकल जी ने एक दाल वाला डाल दिया, एक आलू वाला डाल दिया, और अंकल एक पनीर वाला, और ये भाई साहब इधर पनीर वाला बन रहा है, ये चेक करो। और अंकल ये तेल कौन सा है? सरसों का तेल है। अच्छा सरसों के तेल में यूज करते हो? जी हाँ। क्या बात है, और सरसों के तेल के पकौड़े तो वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ जी। और ये देखो ऊपर अंकल ने अमचूर डाल दिए, अमचूर ही डाला अंकल? जी हाँ। और ये देखो भाई साहब ये है चटनी, और ये है एक्चुअल में मद्रासी पकौड़े, और इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि भाई साहब इसका टेस्ट कैसा है।
ये है इनका पनीर वाला, इसमें पनीर रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा तोड़ के। ये देखो इसके अंदर पनीर की स्टफिंग रहती है, और ये भाई साहब चटनी बहुत ज़बरदस्त है। तो फटाफट से पनीर वाला पकौड़ा टेस्ट करता हूँ। भाई साहब ऑसम टेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहा ना एक बार यहाँ पर आ गए ना यार, ये पकौड़े खा के देखे, स्पेशली मद्रासी पकौड़े। भाई साहब ऐसे पकौड़े ना आपको लुधियाना में कहीं नहीं मिलेंगे, और जो चटनी है ना भाई साहब क्या बोलूँ यार, बस कोई शब्द नहीं है यार, मज़ा आ गया पकौड़े खा के। तो अभी ये है इनका दाल का बड़ा, इसमें कुछ फिलिंग नहीं है, ये सिंपल दाल की जो पिट्ठी होती है वो है। इसको ट्राई करता हूँ। भाई साहब बिल्कुल फ्रेश पकौड़े बने हुए हैं और गर्मा गर्म पकौड़े हैं, लाजवाब यार। दाल की पिट्ठी का पकौड़ा ना भाई साहब जिसमें कुछ फिलिंग नहीं है वो तो यार एंड है, मज़ा पूरा मज़ा है यार, पूरा मज़ा फुल। भाई साहब लाजवाब टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट दाल की पिट्ठी का जो पकौड़ा है। तो अभी ये दाल की पिट्ठी का खाया, ये पनीर वाला खाया, अभी आलू का टेस्ट करता हूँ कि आलू वाला कैसा। भाई साहब चटनी तो एकदम से मस्त है यार। आ जाओ, आपको लोकेशन डाल रहा हूँ। और अगर आप वाकई यार पकौड़े खाने के शौकीन हो ना कुछ अलग टाइप के, तो यहाँ पे आ जाओ। भाई साहब 45 साल पुराना जायका है, मतलब कि आप लगाओ कि 45 साल हो गए अंकल जी को यहाँ पर पकोड़े बनाते हुए। तो कुछ सोचो इतना एक्सपीरियंस तो जायका कैसा रहेगा यार, जबरदस्त है यार। अंकल एक चीज पूछना चाहूंगा, ये पकोड़े कहाँ से सीखे आपने बनाने? ये चौड़ा बाजार जी, घास मंडी निकामल चौक। अच्छा, वहाँ पे मैं लगा था 72 में। सन 1972 में? जी हाँ। अच्छा, 72 से लेकर 78 तक का रख लिया। अच्छा, तो 6 साल वहाँ पे काम किया। जी हाँ। तो वहाँ पे कौन लगाता था अंकल जी? वो पाकिस्तान से आए थे लाला जी हमारे। अच्छा जी। तो एक मद्रासी था। अच्छा जी। सुनई गुरुद्वारे के सामने। अच्छा जी। मियाँ बीबी थे जी, तो उनके पास उन्होंने नौकरी किया। अच्छा, वो मद्रासी लोगों ने? हमारे लाला जी। लाला जी जी मद्रासी के पास। अच्छा जी। और मद्रासी बनाता था। ओके। तो लाला जी आए, उनके पास नौकरी किया जी, वो मद्रासी मियाँ बीबी मर गए। अच्छा। फिर जाके हमारे लाला जी अपना अलग खोल लिए। अच्छा जी। अलग खोल लिया जी। हाँ, फिर वहाँ से करते करते। अच्छा। फिर उनके पास में 72 में उनके पास में गया। अच्छा, 72 में? 72 में। तो 72 से आपने सीखना शुरू कर दिया था ये? जी हाँ। क्या बात, वहीं पे नौकरी करते थे। अच्छा जी। जी हाँ। अंकल एक चीज और बताओ, आपने बताया कि इसमें खसखस डालते हो चटनी में, खसखस के अलावा और भी कुछ डला लग रहा है इसमें, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चटनी है, मतलब इसका टेस्ट ही अलग है, और क्या डालते हो इसमें? अनारदाना, अमचूर, नारियल, दही। अच्छा। हाँ, खसखस। खसखस, पुदीना, हरी मिर्च। अच्छा, इतना कोई डलता है इसमें? जी हाँ। तभी जाके इसका जायका बनता है। बहुत ही बढ़िया अंकल जी। फाइनली मैंने मद्रासी पकौड़े टेस्ट कर लिए, और अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको कहाँ पे आना, आप एड्रेस नोट कर लो। इस टाइम मैं हूँ लुधियाना के सिविल लाइन एरिया में, मेरे बिल्कुल सामने डंडी स्वामी टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है सिविल लाइन में, और टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट इधर ये देखो यहाँ पर लगे हैं मद्रासी पकौड़े। और भाई साहब जो भाई साहब पकौड़ों का जो टेस्ट है ना यार, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आकर मस्ट ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।